हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बॉस MA80 के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं बाकी जितने स्टॉर्म बॉक्स इफेक्ट्स जो है उसे मैं कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में कंप्रेशर और ओवरड्राइव डिस्टॉर्शन के बारे में बताया हुआ था। अब मैं मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर एफेक्ट्स को अलग अलग इंडिविजुअली स्टॉर्म बॉक्स के हिसाब से कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी आप देख रहे हो कि ये ओवरड्राइव, डिस्टॉर्शन, कंप्रेशर जो भी है ये सब मैं ऑफ कर रहा हूँ। ये जो ब्लिंक कर रही है ये अभी डीले सेक्शन में एक ऐसी इफेक्ट है जिसे लूप कहते हैं, फ्रेज लूपर है ये। इसे एक्चुअली काइंड ऑफ जैमिंग सेशंस वगैरह ये सब में आप यूज़ कर सकते हो। लूप आपको अगर नहीं मालूम कि क्या है तो मैं बताना चाहूँगा कि आप इस लूप के मदद से कोई भी प्रोग्रेशंस, कॉर्ड प्रोग्रेशंस या कुछ अपना कॉर्ड्स ही जनरली हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद प्ले करते हैं और उसके ऊपर ओवरडब कर सकते हैं एंड फिर वापस जाके हम उसके ऊपर लीड बजा सकते हैं कोई भी। तो मैं उसका डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, कर दूँगा। लेट्स मी टेक सम काइंड ऑफ इफेक्ट्स। तो ये आपको लूप सेक्शन में, मैं अभी सिर्फ कंप्रेशर में ही यूज़, कंप्रेशर का एक इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ मैं फ्रेज लूपिंग करूंगा। अब आप ध्यान से देखना कैसे इसको लूपिंग करते हैं। अब आप देख सक रहे हो कि ये ऑटोमेटिक प्ले हो रही है। मेरे दोनों हाथ यहाँ है, मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन, मैंने सी, जी और डी ही लिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप डिस्टॉर्शन इफेक्ट से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने क्लीन ही लिया है। अब क्लीन के ऊपर ही मैं कैसे इसके ऊपर इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ या प्रैक्टिस कर सकता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसे बंद करने के लिए वापस आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो। तो ये इफेक्ट कैंसिल हो चुकी है। तो मैं जस्ट एक काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि इसमें फ्रेज लूपिंग कैसे करते हैं। तो ये अभी मैं जाता हूँ वापस अपने पुराने मॉड्यूलेशन सेक्शन के बारे में बताऊँगा, खैर जो भी हो। तो ये मॉड्यूलेशन है ऐसा एक इफेक्ट जिसे हम साउंड का पिच शिफ्ट कर सकते हैं या साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हैं, मतलब अपनी गिटार के जो सिग्नल है जो भी है। अभी तो मैं ये कंप्रेसर नॉर्मल आपको ये गिटार की जो टोन है वैसे सुनाई दे रही है विथ कंप्रेसर इफेक्ट्स। मैं अब आपको मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। ये मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स मैं जब इसके ऑन करता हूँ तो इसमें क्या क्या इफेक्ट्स है ये मैं बता देता हूँ। पहले फ्रेजर है, पहला फ्लैंजर है, उसके बाद ट्रेमेलो है, फिर कोरस है, फिर वाइब्राटो है, फिर पिच शिफ्टर है, फिर हारमोनिस्ट है, फिर रोटरी है, फिर यूनिवाइव है, फिर डीले है और फिर ओवरटोन है। तो ये अलग अलग मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स हैं
इसे हम कैसे यूज़ करते हैं ये आपको अपना इंडिविजुअल टेस्ट प्रेफरेंस ही बताएगा, मैं कैसे यूज़ करता हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये फ्रेजर है, इसकी साउंड पहले सुनो आप कैसा होता है। तो ये पहला फ्रेजर है, उसके बाद है ये फ्लैंजर। फ्लैंजर एक ऐसा इफेक्ट है, काइंड ऑफ इसे जेट प्लेन इफेक्ट भी बोला जाता है। जेट प्लेन इफेक्ट मतलब आपकी पिकिंग इंटेंसिटी के ऊपर ही ये एक काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे जेट प्लेन काइंड ऑफ जेट प्लेन जाने की आवाज़ जैसे लगती है। ये इफेक्ट एक्चुअली डिस्टॉर्शन के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप फॉसिल्स के एसिड वाले जो गाना है, वो एसिड का जो एक सॉन्ग है फॉसिल्स में, वो आप अगर सुने हो तो उसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। दिस इज़ द इफेक्ट दे हैव यूज्ड। तो सॉरी ऐसा नहीं है, तो आपको आइडिया लग गया कि कैसा वो इफ़ेक्ट है। और उसके बाद आपको छोटे छोटे ट्वीक्स करने पड़ते हैं कि पर्टिकुलर सॉन्ग में जैसे यूज़ हुए हैं उसी सॉन्ग को मतलब उसी टोनल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप परफेक्ट टोन जो डिज़ायर्ड है वो पा सकते हो। तो नेक्स्ट ये है ट्रेमोलो इफ़ेक्ट। ये ट्रेमोलो इफ़ेक्ट है, कैसा काम करता है बता देता हूँ। तो आपको पता चल गया ये जो साउंड है इसे इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है वो बहुत ही मतलब मियंडरिंग काइंड ऑफ इफ़ेक्ट आती है। मतलब ओल्डन आप फिल्म वगैरह में सुनते हो कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होती है वो इसी टाइप की टोन ट्रेमोलो इफेक्ट से ही यूज़ होती है। खैर फिल्म में तो बहुत कुछ यूज़ करते हैं म्यूज़िक बैकग्राउंड जो भी हो। नेक्स्ट मैं जाता हूँ कोरस इफेक्ट्स में। ये कोरस इफेक्ट है जो एक फैटी लेयर बनाता है अपने नॉर्मल जो टोन जो भी है, जो भी सिग्नल आप डालते हो किसी भी इफेक्ट्स के साथ उसको इसके ऊपर ओवरलैप एक कोरस इफेक्ट आता है, वो फैटी लेयर बन जाती है। नेक्स्ट है वाइब्राटो। वाइब्राटो में आप इसे हम मतलब जो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें हम मीर बोलते हैं इसे, और ये वाइब्राटो एक्चुअली ये इंग्लिश टर्म है। आप इस इफेक्ट को विदाउट मतलब इफेक्ट्स प्रोसेसर के कैसे पा सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ। आप अगर बेंड कंसिस्टेंटली बेंड करते रहो कोई भी नोट को तो विदाउट वाइब्राटो वो भी मतलब सेम काइंड ऑफ इफेक्ट डाल सकती है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ये आपको एफर्टलेसली हो जाता है, उसमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। एनीवेज नेक्स्ट है ये पिच शिफ्टर। पिच शिफ्टर का काम है मतलब जो भी पिच है उसको पिच आप चेंज करके शिफ्ट कर सकते हो उसका। तो आपको पता चल गया कि ये लोअर अपर की जो भी है इसके साथ आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको इंटरवल अच्छे तक कैसे पता होना चाहिए। मतलब आप जो भी बजाओगे उसके साथ वो एक अलग अपना की
मतलब अपना अलग एक ऑक्टेव वो यूज़ करेगा। यही है पिच शिफ्टर का काम। नेक्स्ट है हारमोनिस्ट, ये भी थोड़ा ऑक्टेव वाला फीचर ही डालता है। तो आप इसमें पहला जो है इसमें ये हारमोनिस्ट इफेक्ट में इसमें थोड़ा आपको समझना होगा कि की सिग्नेचर्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो की सिग्नेचर, अगर ये मेरा एफ मेजर की है, इसके साथ मैं अगर थर्ड इंटरवल यूज़ करूँ या फिफ्थ फोर्थ यूज़ करूँ तो कैसा मतलब साउंड आएगा, ये आपको इस पर्टिकुलर इफेक्ट से पता चल जाएगा। आई मीन ये एक अंडरनीथ फिफ्थ इंटरवल को प्ले करती है। जैसे मैं ये एफ, तो ये आपको पर्टिकुलर कीज़ के ऊपर ही सेलेक्ट करके आपको ये प्ले करना है। आई मीन आप अगर एफ की में इसको रखे हो और आप प्ले कर रहे हो दूसरा कोई भी मेजर कीज़ या माइनर कीज़, तो ये वर्क नहीं करेगा इसके ऊपर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि ये हारमोनिस्ट कैसे काम करता है। नेक्स्ट इज रोटरी इफेक्ट, ये आपको वूजलिंग वाला साउंड देता है। आप एक वाइब्राटो वाला ही इफेक्ट है, थोड़ा इसका रोटरी फील आता है। आई मीन आप अगर बड़े हॉल वगैरह में सुनोगे तो आपको इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा। एंड देन इज यूनिफाइव, यूनिफाइव का भी इफेक्ट मियांडरिंग साउंड है। मतलब एक पर्टिकुलर पिच को लेकर उसे मतलब ऊपर नीचे लोअर साउंड को पिच शिफ्ट करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ द मॉड्यूलेट करते हैं एक्चुअली, वर्ड इज मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट इज ये यहाँ पे एक और डीले है जो कि आप यहाँ इस इफेक्ट में आपको डीले ऐसे काम करता है। अब देखो मैं एक ही नोट प्ले कर रहा हूँ लेकिन इसके साथ जो फीडबैक आ रही है ये एक अलग इफेक्ट है डीले का। यही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है डीले का। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि पर्टिकुलर जो भी इफेक्ट है हर एक इफेक्ट्स का अलग अलग यूसेज है और कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। इसे आप डिफरेंट सॉन्ग्स को सुनकर ही या जानकर ही प्ले कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज ओवरटोन, मैं जाता हूँ डीले सेक्शन में। आपको मोस्ट प्रोबेबली मॉड्यूलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया। मैंने यहाँ बताया नहीं कि ये भी लेवल का ही काम करता है। ये पूरी जो भी इफेक्ट इसमें आप यूज़ करोगे उसका जो मेन लेवल है ये लेवल आउटपुट कैसा कितना इफेक्ट का रेंज डिटरमाइन करेगी। देखिए 50 40 जो भी है 57, ये आप देख भी सकते हो इसे साथ ही साथ। नेक्स्ट इज डीले, ये डीले का काम है अलग अलग। इसमें डीले क्या क्या है मैं बता देता हूँ। पहला डीले है 1 to 99 मिली सेकेंड्स का, उसके बाद है 100 to 600 मिली सेकेंड्स का, उसके बाद है 500 to 6000 मिली सेकेंड्स का, फिर है एनालॉग, फिर है टेप, नेक्स्ट इज मॉड्यूलेट, उसके बाद है रिवर्स। इसमें आप जो भी प्ले करोगे उल्टा आप प्ले होता है। नेक्स्ट इज कॉर्ड प्लस डीले, कोरस प्लस डीले है। ये कोरस प्लस डीले का साउंड बहुत ज़्यादा गानों में यूज़ होता है।
देखिए, मैंने अभी अभी जो टोन, एक अच्छी टोन आ गई है इसको अभी मैंने कितनी एफर्टलेसली क्रिएट कर दी है। ये मैंने सिर्फ कंप्रेशन, ओवरटोन और डीले, कॉर्ड प्लस डीले यूज़ किए हुए हैं डीले सेक्शन से। तो इसका आप टोनल कैरेक्टरिस्टिक्स सुनो, देखो तो दोस्तों, मैंने ये पहले ही बारे में, मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि ये कितना एफर्टलेसली यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज टेम्पो। इसमें आप पर्टिकुलरली टेम्पो सेट करोगे, उस हिसाब से ये डीले होगा सॉन्ग का। पर्टिकुलरली कोई भी सॉन्ग होगा, उस रिदम में आपको टेम्पो को हिट करना है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको अगर 1, 2, 3, 4 काउंट करके हिट करोगे, जो भी टेम्पो रहेगी सॉन्ग की, उस हिसाब से ये डीले होगा। नेक्स्ट इज टेरा एको। टेरा एको का साउंड आप सुन लो। मॉड्यूलेशन बंद करता हूँ पहले। ये आपको टेरा एको पता चल गया। ये है फेज लूप, जो मैंने पहले डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ, मैंने बता दिया है। अब रिवर्स जो है उसको प्ले करता हूँ। अब आप देखो इसका, आप जो भी प्ले करते हो उसके हिसाब से वो उल्टा प्ले होता है। ये इफेक्ट एक्चुअली मेटालिका के कर्क हैमेट जो है वो बहुत अच्छा यूज कर किए आप कोई किसी सॉन्ग में। आई डोंट नो प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करना है येट, बट कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही। एनीवेज, नेक्स्ट इज मॉड्यूलेट। ये मॉड्यूलेट का मतलब ही डीले की मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है ये। ये डीले सेक्शन में जो मॉड्यूलेट है ये ऐसे काम करती है। नेक्स्ट इज टेप। ये ब्लूज में बहुत ज्यादा अच्छा यूज होता है, या कंट्री। नेक्स्ट इज एनालॉग डीले। ये भी एक टाइप का डीले है। नेक्स्ट इज ये 500 to 6000 मिलीसेकंड्स का डीले इफेक्ट डालता है। अभी मैं प्ले नहीं कर रहा हूं, देखो ये डीले कैसे हो रहा है। और ये डीले का फीडबैक का जो भी आपको कैलिब्रेट करना है, ये यहाँ से आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। ये 100 to 600 और 1 to 99 मिलीसेकंड्स का जो डीले है, ये भी इसी तरीके से काम करता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज प्री एम्प। प्री एम्प, अगर आप कोई भी मार्शल एम्प हो, या फेंडर एम्प हो, या मेसा बुगी एम्प हो, ये सब एम्प के बारे में अगर आप जानते हो तो उनका जो साउंड्स, एक अलग टोन आता है, अलग साउंड्स क्रिएट होते हैं उससे। तो उस एम्प सबको तो हम खरीद नहीं सकते। तो यहाँ पे बॉस MEAT ने एक अच्छा इफेक्ट डाला हुआ है कि प्री एम्प, मतलब आपको हर एक टाइप की एम्प की साउंड मिल जाती है।
सो आप उसको यूज़ करके पिक करके किसी भी इफेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। तो पहला है यहाँ पे एक्वास्टिक गिटार का एक्वास्टिक साउंड है ये, और इसमें हमको मिल जाती है गेन, बेस, मिडिल, ट्रेबल और जो लेवल है इसे हम यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है क्लीन, ये मेरा गिटार, ये मेरी जो गिटार है ये पूरी क्लीन साउंड है। नेक्स्ट इज ट्विटेड एम्प, आप देखिए मैं कोई भी इफेक्ट्स यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एम्प की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलरली जो साउंड होती है वो साउंड को एक बिल्कुल ही कॉपी की हुई है। अच्छा इसका मतलब इफेक्ट है। आप इसमें गेन वगैरह जो भी है अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, इसमें इसका लेवल भी है अलग से। नेक्स्ट इस ये पर्टिकुलरली क्रंच एम्प है। उसके बाद ये कॉम्बो एम्प है, फिर आपको मिल जाती है वो बूगी एम्प जो एम के मेसा बूगी एम्प है, ये इसमें लीड के लिए बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट उसके बाद मैं जाता हूँ ड्राइव एम्प में, तो आपको ये पता चल गया कि ड्राइव एम्प कैसे होती है साउंड में सुनने में। नेक्स्ट इज स्टैक, ये मार्शल स्टैक की बात कर रही है। नेक्स्ट इज द मेटल एम्प, इससे हैवीली डिस्टॉर्टेड गिटार में आप मतलब जो भी सॉन्ग्स है हैवीली डिस्टॉर्टेड गिटार की एफेक्ट्स यूज करती है उसे आप डेफिनेटली इसमें आई मीन पा सकते हो। आपको पता चलेगा कि मेटल वाली जो एम्प है आप इसे इसमें कैसे यूज़ कर सकते हो। आप पर्टिकुलरली इसमें गेन घटा सकते हो या बेस आपके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट में जाना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ईक्यू सेक्शन। EQ इफेक्ट्स में आपको ये नॉर्मल पहला जो पेडल है ये EQ इफेक्ट्स मिल जाती है। नेक्स्ट इज सेकेंड कोरस, फिर डीले, फिर बूस्ट जो कि साउंड को ज़्यादा बढ़ाती है। नेक्स्ट इज द ट्रेमेलो जो कि मैं पहले इस मॉड्यूलेशन सेक्शन में बता चुका हूँ, ये आपकी सेकेंडरी इफेक्ट्स में आपको मिल जाती है।
फिर फ्रेजर है, फ्रेजर यूज़ कर सकते हो, आपको पता है कैसे मैंने यूज़ किया हुआ है, सेम इफेक्ट डालती है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप सेकेंडरी, मतलब आप इसमें मान लो आप मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स में कोई ऐसा इफेक्ट यूज़ कर चुके हो जिसमें आप मॉड्यूल कोरस जैसे यहाँ पे है, इस कोरस में आपको कोरस यूज़ करना है पर्टिकुलरली, लेकिन आप मॉड्यूलेशन सेक्शन से यूज़ नहीं कर सकते हो, फिर आप क्या करोगे कि आप ईक्यू सेक्शन में जाके आपका यही कोरस आप अप्लाई कर सकते हो। डिले में भी आप सेकेंडरी कोरस प्लस डिले यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से जो इफ़ेक्ट्स कुछ है अलग अलग जगह में दी हुई है, क्योंकि सेकेंडरी या थर्ड ऑप्शंस आपके खुले रहते हैं कि आप अगर इस पर्टिकुलर इफेक्ट में से कोई भी इफेक्ट लेते हो उसके बाद तो वापस उस मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स में आप सेम इफेक्ट नहीं चूज़ कर सकते, राइट। सो आप इसलिए ट्रेमेलो या कोरस वाइब्राटो जो भी है इफेक्ट्स, अलग इफेक्ट्स जहाँ दूसरे जगह में दी हुई है वहाँ से आप पिक करके यूज़ कर सकते हो।